पिछले कुछ दिनों से एक खत बड़े ही चर्चों में है और एक खत है और एक क्या है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिसमें सीएम योगी के तहत आने वाली नियुक्ति और कार्मिक विभाग को लिखा गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस विभाग के अपार मुख्य सचिव को खत लिखकर आरक्षण का बदलाव मांगा है और ये खत 15 जुलाई को भेजा गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि दिनांक 11 अगस्त 2023 को विधान परिषद में प्रश्नों की ब्रेकिंग के समय मेरे द्वारा कार्मिक विभाग के अधिकारियों से संविदा पर कार्यरत कुल अधिकारी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जानकारी चाहिए थी, जो सूचना विभाग के पास ना होने के कारण मेरे द्वार पूर्व में 16 अगस्त 2023 को सूचना एकत्रित करने के साथ ही आरक्षण के संबंध में पेट में जानकारी के लिए गए शासनदेश का फोटो अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु देखा गया था। अब उन्हें नियुक्ति और कार्मिक विभाग से पहले जारी किया गया है। आदेश के बारे में सभी देशों की सूचना मांगी है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए खत को लेकर बोला है। उन्होंने कहा है, केशव प्रसाद मौर्य यूपी विधानसभा परिषद के नेता सदन है, पैच और विपक्ष को जवाब देने के लिए सूचनाएं जुटाने में कोई हर्ज नहीं है। समाचार एजेंसी ANI से बात करें तो संजय निषाद ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य हमारे विधान परिषद सदन के नेता है, कोई सवाल उठाता है तो उसके लिए ऐसा प्राप्त करना उनका अधिकार बनता है, ये विभाग काम है। विपक्ष कुछ सवाल उठाता है तो उसके लिए सूचना एकत्रित करके देना पड़ता है, ये तो नियम है कि विपक्ष कोई भी सूचना मांगता है तो ब्रीफिंग के लिए सूचना एकत्रित करनी पड़ती है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यूपी में बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में तलवार खींची हुई है। मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि इसकी चर्चा कहाँ से शुरू हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार सीटों का हुंकार भरने वाली बीजेपी को देश के सबसे बड़े सुभा वाले उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा करारा झटका मिला। चुनावी पैसा इस कदर पलटा कि जिस राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे पर बीजेपी पूरे देश में चुनावी नतीजे के आने से पहले ही बिगुल बजा रहे थे, वही फैजाबाद सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। बनारस में पीएम मोदी की जीत के मार्जिन में भारी गिरावट देखी गई। अमेठी में स्मृति ईरानी को पहली बार चुनाव लड़ रहे KL शर्मा ने हरा दिया। भारत की राजनीति में एक बहुत पुरानी कहानी है कि दिल्ली का रास्ता हमेशा यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन इस चुनाव के नतीजे ने बीजेपी का पूरा गेम प्लान ही बर्बाद कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी की 2024 में लोकसभा चुनाव में यूपी की 62 सीटों से गिरकर 33 सीटों पर आ जाना, जिसका बुरा अंतर या सुघात शुरू हो गया कि आखिर ये कमी रह कहां गई जो बीजेपी बाइट कई दशकों से अपने चाल चरित्र को चेहरे की दुहाई देते हुए बाकी अन्य पार्टियों से खुद को अलग अलग बताती रही है। वही बीजेपी के अंदर बैठे नेताओं के भीतर आप प्रत्यारोप लगाने और केंद्र नेतृत्व से मुलाकात का जो दौर शुरू हुआ वह शुद्ध देश के सामने अब खुलकर दिखने लगा है। बीजेपी के अंदर चल रही घमासान की चर्चा में सबसे बड़ा चेहरा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने संगठन सर्वप्रथम का नारा लगा दिया और खुद केंद्रीय भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली बुलाकर से बातचीत की। उसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने संगठन के मुद्दे पर बातचीत की, जहां चुनाव में बीजेपी 75 से 80 सीटों का दावा कर रही थी, वहां 33 पर क्यों सिमट कर रह गई। इस पर पक्ष विपक्ष का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, जहां इन्हीं के विधायक इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है। अब ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मोती सिंह जी ने, इनके ही विधायक ने इनके ऊपर काम न होने का आरोप लगाया, अभी फिर किसी एक MLC ने भी पत्र लिखा है इनको, जो टीचर्स वाले में इनके खुद के MLC हैं गोरखपुर के, अभी एक इनके मंत्री ने भी आरोप लगाया। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी शाख, यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं, तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। संगठन का तंत्र राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ तक या बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है तो केवल और केवल भारत भाजपा में है, और भाजपा का ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से 365 दिन काम करता है। चिंतन मंथन तो निश्चित होता ही है, जब हम प्रणाम आते हैं, अच्छे प्रणाम आते हैं तब भी चिंतन करते हैं, और प्रणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते।